लंदन में बुधवार हुए हमले को कार सवार आतंकी ने सिर्फ 3 मिनट में अंजाम दिया। आइए जानते हैं आतंकी ने किस तरह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ता हुआ वेस्टमिंस्टर पुलिस संसद परिसर में दाखिल हुआ। 2:40 पर आतंकी वेस्टमिंस्टर पुल पर तेजी से हुंडई माउंट कार चलाता हुआ संसद की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसने कुछ पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इनमें पुल पर पोस्ट कार्ड बेच रही एक महिला और पैदल यात्री घायल हुए। वहीं एक महिला पुल से थेम्स नदी में कूद गई। माना जा रहा है कि महिला ने दहशत में जान बचाने के लिए ये किया। आतंकी इस बीच कभी फुटपाथ पर कभी गाड़ियों के बीच पूरी तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता रहा, जिससे पुल पर अफरातफरी मच गई। आतंकी ने कुछ कोरियाई पर्यटकों, 3 पुलिस कर्मियों और फ्रेंच स्कूल के छात्रों को टक्कर मारी। पुल पार करने के बाद आतंकी ने संसद परिसर से बाहर लगी रेलिंग पर 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर तेजी से संसद परिसर में स्थित न्यू पैलेस यार्ड की तरफ दौड़ा। न्यू पैलेस यार्ड में उसने पुलिस कर्मी की पाल्मर पर 2 चाकुओं से हमला किया। इसके बाद जैसे ही वो सांसदों की आने जाने वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ा, सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत चिकित्सकीय सहायता दी गई, लेकिन उनकी मौत हो गई।